अलकलम एकेडमी ने डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में एनुअल स्पोर्ट्स मीट 2022 का किया सफल आयोजन। अलकलम एकेडमी तालीम नगर चक्र रहमत दरभंगा द्वारा आज मिथिला विश्वविद्यालय के डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में एनुअल स्पोर्ट्स मीट 2022 का सफल आयोजन किया गया। इस आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि लोजपा के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर शहनवाज अहमद कैफी और मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के स्पोर्ट्स ऑफिसर अजयनाथ झा उपस्थित थे। कार्यक्रम में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ वर्ल्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र कुमार यादव, एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ वर्ल्ड के नेशनल जनरल सेक्रेटरी जिशान फारूकी, दिव्यांग सहयोग संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुद्दूस उस्मानी और आरबी मेमोरियल अस्पताल के गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर वंदना झा उपस्थित थी। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके किया गया। आगत अतिथियों का स्वागत मिथिला परंपरा के अनुसार के पाग, शॉल और मेमेंटो से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पैरामेडिकल की उभरती संस्था टारगेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा फर्स्ट एड कैंप लगाया गया था। अतिथि जिशान फारूकी ने कहा कि अपने भाषण में कहा कि आयोजन अच्छा लगा और बतौर अतिथि के रूप में आना अच्छा इसलिए लगा कि मैं कभी स्वर्गीय अलाउद्दीन अफताब का शागिर्द हुआ करता था। डॉक्टर शहनवाज अहमद कैफी ने इस कार्यक्रम के सफलता की जमकर तारीफ की और कहा कि मौका मिले तो अगली बार भी इस कार्यक्रम में निश्चित रूप से आऊंगा। कार्यक्रम के चेयरमैन निखत जहां ने तमाम लोगों का एक साथ धन्यवाद किया। मंच संचालन डॉक्टर मोहम्मद कासिफ रिजा और डॉक्टर मंसर हुसैन ने संयुक्त रूप से किया। स्कूल के निदेशक इंजीनियर मोहम्मद कौनेन और प्रिंसिपल एके मलिक ने आगत अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में डॉक्टर कायनात आफताब, डॉक्टर इंतखाबुल हक सहित कई खास लोग थे। कार्यक्रम में मिथिला विश्वविद्यालय के एचओडी हिस्ट्री डिपार्टमेंट नैयर आजम, एचओडी सोशियोलॉजी शहीद हसन, एडवोकेट मोहम्मद अशफाक, डॉक्टर इंतखाबुल हक, हिंद TV24 के संपादक जाहिद अनवर राजू को सम्मानित किया गया। क्लास 3 की छात्रा अनाबिया सलफ ने टनल रेस में प्रथम स्थान और बैलून रेस में दूसरा स्थान प्राप्त किया। इस अवसर पर मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता एडवोकेट मोहम्मद अशफाक अहमद उर्फ सोनू भाई, जदयू के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नगर अध्यक्ष मोहम्मद इफ्तिखार गुलजार, एम के नजीर, तनवीर सर, तौकीर सर, फयाज सर, इमरान सर सहित कई लोग उपस्थित थे। एक्टिविटीज जो होती है वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे बच्चों की सच में वो अंदर वो डेवलप कर पाते हैं, अपनी हर एक स्किल्स को इन्हेंस करते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा जो है पढ़ाई में ही बहुत तेज़ हो, कुछ बच्चे स्पोर्ट्स पे भी बहुत तेज़ होते हैं, तो इसलिए स्कूल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, और इसलिए हम लोगों ने आज ये ऑर्गेनाइज़ किया है। और आप लोगों का बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में आने के लिए, और हमारे सारे चीफ गेस्ट लोगों का बहुत ज़्यादा धन्यवाद। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ सबकी। और क्या नाम हुआ मैम? माय नेम इज़ सना जबीन। आप क्या है स्कूल में? मैं स्कूल में एज अभी हाल फिलहाल मैं डायरेक्टर अभी बनी हूँ। सर बोलिए, आज का जो कार्यक्रम है अल्कलम एकेडमी के द्वारा इनके सभी मैनेजमेंट बॉडी को, डायरेक्टर को, चेयरमैन को मैं दिल से मुबारकबाद देता हूँ और शुभकामना देता हूँ कि ये संस्था ऐसे ही अनवरत अपने मिशन में कामयाब रहे। कहा जाता है कि जहाँ फिजिकल डेवलपमेंट जहाँ ज़्यादा होगा उसका मेंटल डेवलपमेंट और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी उसका वहाँ का होता है। इसलिए इस तरह की कार्यक्रम कराने से इन्होंने जो काम किया है वह निश्चित रूप से प्रशंसनीय है, सराहनीय है, और मैं इनकी जितनी भी प्रशंसा करूँ कम है। और मेरी पूरी शुभकामना इस संस्था के साथ है कि ऐसे ही अनवरत अपना काम करते रहें। हम लोगों का पूरा शुभकामना। इस तरह का कार्यक्रम की आवश्यकता है और ख़ास करके दरभंगा जो क्षेत्र है यहाँ पोटेंशियल की कमी नहीं है। हम तो विश्वविद्यालय का खेल देखते हैं और विश्वविद्यालय के खेल के लिए जब तक स्कूल से खेल नहीं ऊपर उठेगा तब तक विश्वविद्यालय का खेल का कोई वजूद नहीं बनेगा। आज मिथिला विश्वविद्यालय खेल के फील्ड में बहुत आगे, ना केवल बिहार में तो केवल मैं ही हूँ, अगर बिहार में मैं हूँ तो प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर अलकलम एकेडमी की पूरी टीम को मैं मुबारकबाद देता हूँ। और ये जो स्पोर्ट्स है, खेल है, सेहत के लिए, क्षेत्र के लिए और देश के लिए और समाज के लिए बहुत आवश्यक है, और स्पोर्ट्स में एक्टिव हम तमाम लोगों को होना चाहिए, और स्पोर्ट्स में जो लोग एक्टिव होंगे वो हर क्षेत्र में एक्टिव होंगे। इसी के साथ मैं अलकलम एकेडमी की पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ और डॉक्टर सरवाज अहमद कैफी साहब का शुक्रिया अदा। अलकलम एकेडमी के डायरेक्टर और जो उनकी सारी बडीज़ है जो चलाती है इस एकेडमी को, उनको हम दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं। शायद ये 19वां एनुअल मीट है और यकीनी तौर पर
अजय जी हमारे रिस्पेक्टेड बड़े भाई की तरह हैं, आज इस मैदान में अपने आप को पाकर यकीनी तौर पर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और हम आपको आपके इस एकेडमी को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं कि इस तरह का एनुअल मीट करके आपने इसमें जो प्रतिभा बच्चों में छिपी है आप उसको आज निखारने का मौका दे रहे हैं। और जैसा अजय भाई ने कहा कि यही वो प्लेटफॉर्म है जिससे मिथिलांचल बनेगा, बिहार बनेगा और हिंदुस्तान बनेगा। सारी अपॉर्चुनिटी स्पोर्ट्स के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है और अनुशासन के साथ आगे बढ़ने का इससे बड़ा कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं है। हम तमाम